अम्मी जोब कहाँ है? मुझसे क्या पूछ रही हो, अपने कमरे में होगा। अरे मैं उसको उसके कमरे में जाके देख के आ रही हूँ, पर नहीं है, अच्छी तरह देखा है मैंने हर जगह उसे। क्या, ये कैसे हो सकता है भाई? आते ही वो ऊपर चला गया था अपने कमरे में। हो सकता है कहीं बाहर चला गया हो। लेकिन अगर वो बाहर जाता तो मेरी नजर तो पड़ती। सलमा, सलमा। जी बेगम साहिबा। जो पापा को देखा है, कहाँ है? बेगम साहिबा बहुत गुस्से में थे, मुझसे पूछ रहे थे कि नयाब बेबी के साथ यहाँ ऐसा क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं तो नाराज होकर निकल गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। नायाब बीबी ना हो गई, जान का अजाब हो गई। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि जब इसको मिली है ये। जो, तुम कहाँ चले गए थे? फरहा कब से आई बैठी हुई है, बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे हैं सारे घर में। एक तो इतने दिनों के बाद तुम लौटे हो और अचानक यूं बिना बताए चले गए। अम्मी क्या हो गया, रहने देना, मैं बच्चों को बुला के लेके आती हूँ बाहर से। हाँ बेटा, बच्चों को बुला के लाओ। हाँ मुझे बस ये बताएं कि नायाब के साथ आप लोगों ने क्या किया था। क्या मतलब है तुम्हारा क्या किया था? वो अपनी मर्जी से गई है यहाँ से। मैं मानता ही नहीं कि वो यूं खुद से कहीं चली जाए। ऐसा कुछ जरूर हुआ जो मुझे मालूम नहीं है। अरे नहीं बेटा, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं इस बात का गवाह हूँ। हाँ जो, अम्मी ने भी उसे कोई वास्ता नहीं रखा है। तुम तो रहने दो फरहा, तुम तो कभी ऐसी कोई बात नहीं करोगी जो मामा के खिलाफ जाए। और दादा जान तो क्या मतलब है तुम्हारा, होश में हो तुम अपने? अगर मुझे सच बताया जाएगा तो मजीद होश नहीं गवाऊंगा मैं। तुम्हें सच ही बताया गया है। ये सच नहीं है, वो हमारे रहमो करम पे थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो। और मैंने उससे वादा किया था कि हमारे घर उसके लिए कभी छोटा नहीं पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि मेरी गैर मौजूदगी में उसे धक्के दिए गए हैं, बातें सुनाई गई हैं या बार बार उसे उसके औकात याद दिलाई गई है। और मैंने फैसल के जरिए उसे पैगाम भिजवाया था कि मेरे वापस आने तक वो यहीं रुकेगी, मेरा इंतजार करेगी। और उसने वादा किया था मुझसे ना उस घर में है, ना दारुल अमान में है, ना सलमान की तरफ, जाने किस हाल में होगी वो। और क्या मांगा था मैंने आप लोगों से इसके सिवा कि उसे यहां मेरे वापस आने तक रोक के रखे? कुछ मांगा था मैंने आपसे? इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे आप लोगों के सामने। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे वापस आने तक नायाब यहां ना रही तो आप लोग मुझे गवा देंगे। इट्स लॉन्ग टाइम टू सी यू मिस नायाब। सर मुझे अपनी सहेलियों की बहुत याद आ रही थी इसलिए बस चली आई। एनी टाइम मिस नायाब, आप हम सबके लिए रिस्पेक्टेबल हैं। थैंक यू सर। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैं कुछ दिन यहाँ अपनी सहेलियों के पास रहना चाहती हूँ। अगर बाहर से कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो किसी को मत बताइएगा।
अम्मी कहाँ जा रही है? अरे बहू कहाँ जा रही है? बताने जा रही हूँ उसको कि क्या इम्पोर्टेंस है उसकी इस घर में। बहू ऐसा ना करो, ये तरीका नहीं बात करने का। बाबा उससे बात करने का यही तरीका है, उससे पूछूंगी कि क्या गुनाह है हमारा, हर बात में ब्लैकमेल कर रहा है वो, हर मामले में अपनी मनमानी कर रहा है। अरे एक ऐसी लड़की के पीछे मुझे सजा दे रहा है माँ होने की, जिसके के खानदान का कोई भरोसा नहीं, दीन ईमान का कुछ पता नहीं, कह रहे हैं कि अगर वो नहीं मिली तो ये घर छोड़ के चला जाएगा, हम उसे खो बैठेंगे, क्या कर रहा है फिर वो यहाँ बैठ के, चला जाएगा घर छोड़ के, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गुमराह औलाद। बेटा संभालो खुद को, संभालो, बैठ 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 बैठ। नहीं पापा मैं मुझे जाने दे। नहीं बेटा नहीं, संभालो अपने आप को, संभालो, मनमानी कर रहे हैं अपनी हर बात में। बस 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 शांतीर, हमारी बहन हमसे मिलने आई है। नायब हम तुम्हें रोज याद किया करते थे। यहाँ बहुत से लोग आते हैं और फिर कहीं जाके बस जाते हैं, लेकिन सच में नायब जब से तुम गई हो ना, ये दारुल अमान सुना सुना हो गया है। देखो तो माही, बाहर रहकर इसकी रंगत और भी निखर आई है। हाँ बहुत खुश होगी ना ये इसीलिए। अम्मी दादी जान, जो अब घर छोड़ के जा रहे हैं उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया, प्लीज उसे रोक ले। जाने दो उसे। दादा जान प्लीज आप तो रोक ले उसे। आने दो, मैं खुद उससे बात करता हूं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाजी, सदफ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसे हुआ क्या है? उसने जेल में एसआई को कत्ल कर दिया था, उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, इस वाकये के बाद उसने खुदकुशी करके जान ही ले ली, और करती भी क्या, उसको पता था इस वाकये के बाद उसकी जिंदगी अजाब हो जानी है जेल में। क्या कर दिया उसने? एक तरह से ठीक ही किया उसने, जो हम नहीं कर पाते थे वो सदफ कर जाती थी, पहले फरहाद, फिर दारुल अमान का निगरान, फिर एसआई, दो तीन दरिंदे तो साथ लेकर गई ना। और वैसे भी हम जैसियों के लिए तो ये जिंदगी किसी जेल से कम है, सदफ ने तो आजादी हासिल कर ली, पता नहीं हम कब तक इस कैद में रहेंगे। बस अल्लाह ताला सदफ को जन्नत में जगा दे। आमीन। एक बात बताऊं तुम लोगों को, मुझे मेरा सुहाबुद्दीन मिल गया है। क्या मुबारक हो बीबी, ये तो कोई मुआवजा ही हुआ, कहाँ है वो? क्या हुआ, इतनी खुशी की खबर इतनी परेशानी में क्यों सुना रही हूँ? सब ठीक तो है ना? देखो बेटा जो वो लड़की हमारी किसी की समझ में नहीं आई, उसके कॉल और फेल में तजाद है, पता नहीं वो खुद को धोखा दे दी है या हमें धोखा दे रही है। भाई उसका शौहर उसे छोड़कर भाग गया, उस लड़की में कोई ना कोई खामी जरूर होगी। फिर वो दारुल अमान से आई तो तुमसे उसने झूठ पे झूठ बोला, कभी वो किसी बदमाश के पास से बरामद होती है, कभी बिन बताए चली जाती है। वाकयात का ऐसा तसलसल है जो उसके खिलाफ जा रहा है, और इन्हीं वाकयात को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि देखो हम किसी के दुश्मन को है नहीं। हाँ देखो जो दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले मैं भी नायाब को ऐसा नहीं समझती थी,
लेकिन अब वो एक ऐसी मिस्ट्री हो गई है जिसे सॉल्व करना बहुत नामुमकिन सा हो गया। और फिर मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि वो यूं घर छोड़कर चली जाती। मैं तुम्हें गवाना नहीं चाहती जो, खुदा गवाह कि मैं तुम्हें अब भी गवाना नहीं चाहती। जिस बात में आगे कुछ कह देती आखिर तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, कोई और बेटा नहीं। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, शायद मैं ही शराब के पीछे भागा और इसकी सजा आप लोगों को नहीं मुझे मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से अम्मी जोब को शायद एहसास हो रहा है इस बात का। सही कह रही हूँ, हमें एक और काम करना होगा। आज ही खाने की मेज पे उससे बात करती हूँ। मैं इस तरह अपने बेटे को बिखरते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, बिल्कुल। चल बीबी जी, खाने का वक्त हो गया है, बिस्मिल्लाह कर दे। यहाँ क्यों ले आई, मैं खुदा के खा लेती हूँ। अरे बीबी जी, वहाँ बहुत रश होता है ना, यहाँ तुझसे कुछ बातें करने का मौका भी मिल जाएगा और हम आज यही खाना खाएंगे। हम नहीं, मैं भी। ये कंदील ना बहुत बड़ी बुरी चीज है। मेरे पीछे से आंखें बचाकर परेट लेकर भाग गई। मैं भी समझ गई तेरे पास ही आई होगी। आज तो तू हमारे हिस्से का खाना खाएगी, चल आज तेरी हमारे साथ दावत है। तुम लोग की दावत मेरे सर आंखों पर। सच पूछो तो बीबी जी, आज तुझे इतने दिनों बाद देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। आज तो मैं पूरी रात उससे बातें कर करके तेरा दिमाग खा जाऊंगी। मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने नहीं आई, बल्कि एक मकसद से आई। मकसद? कैसा मकसद? बताऊंगी, लेकिन इसमें तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी, मेरा हौसला बढ़ाना होगा। बीबी जी बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन मकसद तो बता दे। अभी नहीं बता सकती। अभी बताओ ना, परेशान क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, अभी नहीं बता सकती, सुबह बताऊंगी। अभी और भी तो बहुत सारी बातें करनी है। चलो खाना खा। तुम्हें एक बात का जवाब चाहिए। क्या बात है? किसी और भी नहीं कर सकता? नहीं, इसलिए कि बहुत जरूरी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम एक शादीशुदा लड़की के लिए 4 साल इंतजार करोगे, और वो भी इस सूरत में कि अगर उसका शौहर ना मिले। मैं इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। जानते बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ मुझे ताजा है, हम उन्हें कुरेदना नहीं चाहते। देखो जोब, अम्मी और दादा जान चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। इस सिलसिले में हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाह रहे हैं, अगर तुम हाँ करो तो। अभी मेरी शादी का जिक्र दोबारा कहाँ से आ गया? इसलिए कि शादी ही तुम्हारे जख्मों का मरहम है, शादी से तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। और बेटा, नए रिश्ते पुराने रिश्तों के घावों को भर देते हैं। हम तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते, बस हमें तुम्हारी रगन मिलनी चाहिए। दरअसल हम सब तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद। दादा जान प्लीज, इस वक्त मैं कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। एक्सक्यूज मी। फरा बेटा, तुम 2-4 दिन यहीं रुक जाओ मेरे पास, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी इसको राजी करवाने में। ठीक है मम्मी, जैसा आप मना सकते हैं।
की माँ भी बन गई, न शौहर को पता और न इसके घर वालों को। ये क्या कर रही है बीबी जी? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन तुझे ऐसे बगैर बताए घर से नहीं निकलना चाहिए था, कम से कम बताती तो। मैं इस हाल में वहाँ कैसे रह सकती थी? जैसे भी रह पाती वहीं रहती। जुहाबुद्दीन ने आपके लिए पैगाम पहुँचाया था कि उसके आने तक घर से मत निकलना। नहीं, उन्हें आने में 10-15 दिन हैं और न जाने कितना वक्त लगेगा उन्हें। एक नन्ना सा वजूद जो मेरे अंदर पल रहा है, मैं उसे नहीं छुपा पाऊंगी। सुहाबुद्दीन की माँ की नजर हर वक्त मेरे ऊपर रहती है। मैं पहले ही एक दफा उनकी नजरों में गिर चुकी हूँ, अब नहीं गिरना चाहती। लेकिन बताना था ना, अब सुहाबुद्दीन की माँ को मौका मिल जाएगा, सुहाबुद्दीन के आने के बाद तेरे खिलाफ कान भरेगी। चलो बीबी जी उठो, नाश्ते का वक्त हो गया। तुम्हें पता है आजकल लेडी डॉक्टर किस टाइम पर आती है? क्या हुआ बाजी, खैरियत है? हाँ खुदा के वास्ते, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये जुहाबुद्दीन की निशानी है, उसके आने का तो इंतजार करो। वो आ भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ जान भी गया तब भी उसके घर वाले मुझे कभी भी इस बच्चे के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं अपनाएंगे वो मुझे। इसका मतलब तो इसी काम के लिए है ये दारू लगाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर जान, मामा, I'm sorry, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। मैं सारी रात आप लोगों के बारे में सोचता रहा हूँ, मैंने रियलाइज कर लिया है कि आप तो गलत नहीं हैं। जहां चाहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूं। मैं जानती थी मेरा बेटा रास्ता भूल गया है, लेकिन भटका नहीं है। जोब तुम्हें नहीं पता कि तुमने शादी के लिए राजी होके हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। कह रही हूँ ना, मैं तैयार हूँ। ये तू क्या कर रही है? हमें बताए बगैर चली आई? हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। कंदील जिद मत, मेरी मजबूरी तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे। बस करो, हम सब समझ रहे हैं, पर तुम नहीं समझ रही कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है बच्चों से, और हम तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे। डॉक्टर ये अपने होश में नहीं है, इसे अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं मालूम। बस बाजी बहुत हो गया, चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। दादा जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम पेंडिंग थे वो देख रहा हूँ। काम भी हो जाएगा बेटा, दरअसल हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी थी।
जी कहिए। देखो बेटा, अब तुम शादी के लिए राजी हो ही गए हो तो किसी और के बजाय अगर हम निशा से तुम्हारी शादी की बात करें। वैसे भी बेटा, निशा कजन है तुम्हारी, खानदान भी तुम्हारा है, प्यार भी तुमसे करती है, हमें और क्या चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर लड़की हमें नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें एतराब ना हो तो। कोई भी लड़की हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को जो बेहतर लगे वो करते हैं। Excuse me, मुझे ऑफिस जाना है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बात का जवाब नहीं दिया सलमान बेटा। दादा जान, समझ नहीं आता किस मुंह से जवाब दूं। हम सब जानते हैं कि निशा दो बार इस मरहले से गुजर के बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुकी है, और अब हम फिर से उसके साथ यही करना चाह रहे हैं। लेकिन बेटा, इस दफा तो ज़ोब राजी है। माफ कीजिए आंटी, पर मुझे ज़ोब पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो अपने इरादे से कभी भी मुकर सकता है। लेकिन इस बार उसके पास मुकरने की कोई वजह नहीं है। और अगर वजह मिल गई तो? मेरा मतलब है, अगर नायाब उसके सामने फिर से आ गई तो? बेटा, तुम्हें इसीलिए तो बुलाया है। अब हम उस लड़की के हाथों खुद को और अपने बेटे को खिलौना नहीं बनने दे सकते। और जोब तो तुम्हारे भाइयों की तरह है, तुम नहीं चाहोगे कि अपने भाई को खाई से निकाल लो? पर आंटी, निशा भी तो मेरी बहन है। माफ कीजिए, किसी एक को खाई से निकाल के दूसरे को खाई में ढकेल नहीं सकता। अब निशा का फैसला मेरे हाथों में नहीं है, बस अम्मी फैसला करेगी। मैं जानता हूं तुम्हारी अम्मी को बहुत धक्का लगा इस बात से। मैंने फोन पर उनसे माजरत की थी, बहुत दिल बर्दाश्त थी। मैंने सोचा इस सिलसिले में तुमसे बात की जाए, मगर अब लगता है जैसे कि तुम्हारी अम्मी से ही बात करना होगी। दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान। अरे अब्बा जी, आपने यूं अचानक आने की जहमत क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। बहू, जिस मकसद के लिए हम आए हैं उसके लिए हमें तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था, हमें तुम्हारे पास आना चाहिए। अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात है? आप कैसी हैं तमन्ना? अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बहुत बेहतर हूँ। और आंटी, अगर आज आपने अम्मी का ये काम कर दिया ना, आप यकीन जानिए अम्मी हमेशा के लिए सेहतयाब हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। बहुत पहलियाँ बुझानी आ गई फरा तुम्हें। देखते हैं हमसे क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं और हम किसी मर्ज की दवा हैं भी या नहीं। जिंदगी ने इतनी सारी तकलीफें दी हैं। एक और से शुक्रिया। करें अब्बा जान, ये एक ही घर की बात है, आपको जो बेहतर लगे। फिर भी बहू, निशा तुम्हारी बेटी है और उसके बारे में फैसला करना तुम्हारा हक है। अब्बा जान, आप हम सबके बड़े हैं और ये बच्चे भी आप ही के हैं,
आपने जो भी फैसला निशा और जोब के लिए किया होगा वो बेहतर ही होगा। बीच में निशा को जो दुख पहुंचा है उससे मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आज आप खुद चलकर आ गए हैं तो सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए। ईमान रखने का शुक्रिया बहू। बस एक दफा निशा से पूछ लो तो हम ये समझेंगे कि बात पक्की है। निशा से पूछना नहीं, उसे तो इत्तला देनी है अब्बाजान। उसे क्या एतराज हो सकता है, ये तो उसके दिल की ख्वाहिश थी। अरे नहीं बुशरा, एक दफा पूछ लो निशा से तो बेहतर होगा। मामा दिल था लेकिन अब नहीं है। प्लीज आप इनसे कोई वादा मत करें। दादा जान, मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब ये मैटर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या कह रही हो निशा, तुम तो हमेशा से यही चाहती थी। चाहती थी लेकिन अब मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया। बेटी, तुम्हें जो रंज पहुंचा है अब उसका अजाला होगा, हम तुमसे वादा करते हैं। अजाला कैसा दादा जान? जो रंज मुझे पहुंचा था वो मेरी अपनी वजह से पहुंचा था, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। भाई, आप कहते थे ना कि मैं पास्ट को भूल जाऊं, तो मैं पास्ट भूल चुकी। प्लीज आप इस डिस्कशन को वाइंड अप करवाएं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। एक्सक्यूज निशा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब्बा जान, ये आजकल के बच्चे कैसे पल पल में अपना फैसला बदल देते। मुझे अंदाजा था, इसलिए मैं हामी नहीं भरता। बाबा अब क्या होगा? मैं समझता हूँ निशा अपनी जगह पर हक बजा ली, उसको जो दर्द है वो मैं समझता हूँ, लेकिन इस मसले का हल भी एक शख्स के पास है, वही हल कर सकता है इसे। कैसे क्यों देख रहे हो माहिर? जरा गौर से देखें, ये वही नायाब है ना जो हमें इंसान बनाकर गई थी? नहीं कंदील, ये वो नायाब नहीं है जिसने मुझ जैसी बेदर्द को दूसरों का दुख दर्द बांटना सिखाया। हाँ माहिर, इसे पैरों तले आने वाली चींटी देखकर तकलीफ होती थी, ये तो एक इंसानी वजूद को चलने वाली। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी मजबूरियाँ हो सकती हैं। वो नायाब मजबूरियों को हौसला बनाने वाली, उनसे शिकस्त खाने वाली नहीं। तुम लोग मेरी जगह नहीं हो ना, हम सोचते थे कि हम नायाब की जगह होते, लेकिन हम अब अपनी ही जगह से ही हैं। तुम लोगों की बातें मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकती, मैं फैसला कर चुकी। कंदील इधर वापस दो, मत देना कंदील इसको बिल्कुल भी। बाजी, तुम उन मजलूम लड़कियों में से नहीं हो जो किसी की ज्यादती की वजह से ये कदम उठाती है। तुम शादीशुदा हो, ये तुम्हारे शौहर की निशानी है। औरत जब माँ बनती है तो उसकी पहले उपकाई थी उसकी ममता में अपने बच्चे को दुनिया से टकराने का हौसला पैदा हो जाता है। तो तुम्हें क्या हो गया है? मैं कोई बेरहम और संगदिल नहीं हूँ, मुझे ये कदम उठाने के लिए इसी माशरे ने मजबूर किया है, जहाँ मुझ जैसी माओ को अपनी पाक दामनी का सबूत देना पड़ता है। मुझे तानों से डर नहीं लगता, मगर उन लोगों के दिलों में अपनी कदर खोने का डर लगता है जिनके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। नया सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हो बेटा,
आओ यहाँ मेरे पास बैठो। देखो बेटा, बात यह है कि हौसला करें, इस तरह हिम्मत नहीं हारते, बस करें, बस करो। मना किया था ना मत करना, लेकिन तुम अच्छा चलो छोड़ो, चलो चलो कमरे में चलो, परेशान नहीं, उठो चलो। अब मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। एक बार मोहब्बत करने की गलती की थी, बेवफा निकली। अब सिर्फ शादी करना चाहता हूं, और जिससे भी करूंगा उसे एक मिसाली शौहर बनकर दिखाऊंगा। तो मुझे बहुत अजीज है, इसलिए तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। तुम्हें फैसले का पूरा इख्तियार है, और तुम्हें मामा दादा चानी आंटी किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बेहतर लगूं तो हाँ कह देना, और अगर नहीं तो ना कह देना, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा तुमसे। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।